बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वापस बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो ऑनलाइन देख रहे थे उनसे हो गया होगा, नहीं होगा तो आप कॉल लगा के एक बार मुझसे स्पेशली पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व करवाया है। लिख लिया आपने? चलो लिख लो पहले फिर बता देता हूँ। चलो एक बार इनको भी बता देता हूँ ऑनलाइन। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 मैं करवा चुका हूँ, किसी रीजन से वीडियो रुक गया था या रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, तो आप पहले एक मैं समझा देता हूँ आपको जाएगा। अनिल बिमल और सुनील, क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। अनिल बिमल और सुनील तीन पार्टनर है जो जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है। अनिल ने 40,000, बिमल ने 20,000 रुपये और सुनील सॉरी 40,000 और सुनील ने 20,000 रुपये बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, जिनके ऊपर उन्हें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है। तो आपने लिखा यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी हमने दे चुके हैं अनिल बिमल और सुनील की कैपिटल पे उन्हें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है ना, बिमल और सुनील को 600 रुपये और सुनील को 400 रुपये पर मंथ सैलरी देना है, ठीक है। तो बीमा पर मंथ का है तो उसमें हम 12 का इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा, जो कि अभी हमें देना नहीं है। उसका क्या रीजन है हम देखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा फर्म का प्रॉफिट 32,000 रुपये शो हो रहा है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी ना, मतलब फर्म का लाभ 32,000 रुपये पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद का, मतलब इसमें से ऑलरेडी हमने सैलरी घटा चुके हैं, ठीक है। पार्टनर की सैलरी घटाने के बाद का प्रॉफिट है, इसलिए हम पार्टनर की सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेंगे, ठीक है। इस क्यों नहीं लिया, इसका एक नोट हम नीचे मेंशन कर देंगे। इसके बाद बताया है कि फर्म के पास एक फर्नीचर था 20,000 रुपये का, जिसके ऊपर 7.5% इंटरेस्ट लगना है। प्रॉफिट एंड लॉस में उसको चार्ज करना भूल गए थे तो हमने यहाँ पर उसको चार्ज कर दिया 7.5%, 1,500 रुपये। और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स था 600 रुपीज का, वो बनाना था तो उसको हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया, ठीक है। ड्रॉइंग्स कहा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं कहा है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसके टोटल में से हमने इसके टोटल को माइनस करा, इन तीनों के टोटल को माइनस करा, डिफरेंस अमाउंट आया हमारा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हमने अनिल बिमल और सुनील में 3:2:1 के रेशो में बांट दिया है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? जो वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब रफ कर रहा, अब बनाना है हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी मेथड से बनाना है कहा नहीं है, तो हम फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बना सकते हैं। हाँ नोट लिख लो उसका, पहले नोट पहले कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ही लिख लो, है ना। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद नोट लिख लेना। या लिख लो पहले इसमें नोट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना। द फर्म सो प्रॉफिट, द फर्म सो प्रॉफिट 32,000 रुपीज आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। इट मीन्स पार्टनर सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेड, already deducted, deducted. so partner salary na will not mention
विल नॉट मेंशन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हिंदी मीडियम वाले नोट लिख लेंगे, फर्म का लाभ 32,000 रुपये, फर्म का लाभ 32,000 रुपये साझेदारों के वेतन घटा देने के बाद का है. फर्म का लाभ 32,000 रुपये साझेदारों का वेतन घटाने के बाद का है, अतः हम लाभ हानि वितरण खाते में साझेदारों का वेतन शामिल नहीं करेंगे. ठीक है, अब बना लेते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सुनिए, अनिल, बीमर, सुनिए, हाँ फ्लक्चुएटिंग है ना, कहा है क्या उसने? ठीक है, मतलब प्रिपेयर करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स है. तो ठीक है, फिक्स है तो फिक्स के लिए हम ऊपर बना देते, बाकी का ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में कर देते. थैंक्स, बता दिया नहीं तो फिर आप. उसने कहा प्रिपेयर करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, मतलब फिक्स है तो यहाँ पर हमने बना दिया फिक्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट. आपकी आवाज से पता चल जाता लाइट कहाँ तक गई है. नहीं, रात में लाइट जाती ना तो कि आवाज अगर थोड़ी तेज आए तो समझ जाओ पूरे 78 में गई, और हल्की आई तो समझ जाओ आसपास ही गई है. अनिल, और यहां पर बन जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट. सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी. ठीक है, कितना? 40, 40 और 20, 40,000, 40,000 और 20,000. चलो बेटा, इस साल कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है. अगर कुछ कहते क्वेश्चन में कि पार्टनर अलग से और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे, तो हम यहाँ पे बाय कैश करके इंट्रोड्यूस कर देते या ड्राइंग्स करी आउट ऑफ कैपिटल में तो टू ड्राइंग्स करते. लेकिन ये दोनों जानकारी नहीं दे रखी तो हम मानेंगे कैपिटल अनचेंज थी और यहाँ पे ही बैलेंस जाएगा टू बैलेंस सी डी, मतलब इसे ही क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे. बीस हजार यही लिख देंगे सेफ, बाकी के ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में. क्या आया बाय? सबसे पहले इनको क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब बहुत सारों के दिमाग में चलता सर कैपिटल उधर लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि एवरी ईयर दिया जा रहा है ना. ये इनकम है, इसके ऊपर कितनी मिली इनको? 2000 अनिल को मिला, बिमल को 2000 और सुनील को 1000 रुपये. इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं है. सैलरी, पार्टनर की सैलरी, इधर बताएंगे हम, क्यों बताइए?
कमाया है ना वो फर्म का अकाउंट था, फर्म के अकाउंट में ऑलरेडी दे दी थी सैलरी, हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इम्प्लॉय की सैलरी के साथ साथ पार्टनर की सैलरी भी उन्होंने शो कर दी थी, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया। बट बीमल और सुनील ने कमाया तो है, तो इनकी इनकम में जुड़ेगा। सुनील को कितनी दी जाती, बीमल को दे रहे ना, बीमल और सुनील को, बीमल को कितना, 600 रुपये पर मंथ है इंटू 12, तो 7,200 बीमल को और सुनील को मिल रही है 400 × 12, 4,800। और क्या है बाय नेट प्रॉफिट। बहुत सारे सोचते सर बेड डेट लिखे क्या या डेप्रिसिएशन, तो चलो लिख दिया अपन ने बाय डेप्रिसिएशन, तो किसके अकाउंट में लिखोगे, किसी के वो एक्सपेंस है, पार्टनर्स को मिल थोड़ी ना रहा। बहुत सारे दिमाग लगाते सर इनके प्रॉफिट शेयरिंग जैसे में बांट देते हम, डेप्रिसिएशन 3-2-1 में, वो भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। खाली इसमें जो मैंने आपको चार्ट में लिखवाया ना, पार्टनर से रिलेटेड उन्हीं एक्सपेंसेस, उन्हीं इनकम और एक्सपेंसेस को लेंगे जिसका रिलेशन पार्टनर से है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा जिसमें पार्टनर्स का नाम है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स का नाम आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन में पार्टनर का नाम आता है ना, पार्टनर की सैलरी में आ रहा, पार्टनर्स की कमीशन में और नेट प्रॉफिट में भी पार्टनर का नाम आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी पार्टनर का नाम आता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। वो कितना है इसका बोलो, नेट प्रॉफिट अमाउंट बोलो, 12,450, 8,300 और 4,150, सही है। ये है इनका करंट अकाउंट का बैलेंस, मतलब इस साल इन्होंने कैपिटल को अनचेंज करके कितना कमाया है। अनिल ने कमाया है 14,450 है ना, बीमल ने कमाया है 7,14,15 है ना, 15,000, 17,500, सही है ना। और सुनील ने कमाया है, इसका कम कैसे, अच्छा इसको सैलरी नहीं मिली ना, इसका 4 और 4 8,000, 9,000, 9,950। ये तो थी इनकी क्या कैपिटल, इतना कम आया। इसके ऊपर उन्होंने कोई ड्राइंग करा, इधर दो चीज आएगी, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अनिल का हिसाब बन रहा था 14,450, इसमें से इसने 4,000 रुपये ड्राइंग्स कर ली है, तो अब इसका बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस सीडी, 14,450 में से माइनस कर दो 4,000 को, 10,450 का बैलेंस बच रहा है अनिल का। बीमल का बैलेंस था 17,500, इसने भी ड्राइंग्स करी है 4,000 रुपये, माइनस कर दो तो इसका आ गया 13,500 रुपये बीमल का, और सुनील का 9,950 था, इसने कितनी ड्राइंग करी 4,800 की, 4,800 की माइनस कर देते इसमें तो 5,150 का बैलेंस इसका बच रहा है, तीनों के क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बड़ा नहीं है और बड़ा होगा भी तो टफ नहीं लगेगा, प्रैक्टिस कर लेना बस इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने खाली 15 नंबर का और 16 नंबर का ये दो क्वेश्चन कर लिए, तो समझो एक से लेकर आपने 14 तक का रिवीजन कर लिया। फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। नहीं आपने बोला था ना मुझे सेंड करोगे, ठीक है देख लेता हूँ। किस चीज की कैलकुलेशन, प्लस माइनस में टफ पड़ रहा है क्या अभी, ज्यादा मैथमेटिक कुछ है ही नहीं, इनटू ए नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देने आ रहा क्या आपको, जरूरत ही नहीं, प्लस माइनस इजीली कर सकते हो है ना। मैथमेटिकल आपको एक ही चैप्टर आएगा वो है रेशो एनालिसिस, जिसमें आपको रेशो फाइंड करना रहेगा, बस उसमें मैथ्स का थोड़ा सा आएगा, उनको पता है कॉमर्स वाले बच्चों ने मैथ्स दे ही लिया है उनको, आपको इतने टफ लेवल पे देता भी नहीं रेशो एनालिसिस को, ठीक।
आज जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनका तो 15-20 मिनट का ही लेक्चर है, बाकी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। उनका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस कारण उनको बीच में कम। चलो बेटा बाकी का क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप करके लाना घर से एक बार देखना। आप एडमिशन पे वो तो छोड़ो, पहले ये तो करके बताओ ये वाला 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, एक बार फिर करके लाना बताना। तुम कंसेप्ट मुझे क्लियर चाहिए आपके, क्या है क्वेश्चन एक बार देख लो, मैं समझा देता हूँ। राम और श्याम पार्टनर है एक फर्म में, उनकी कैपिटल 1,50,000 रुपए है। ये अपने प्रॉफिट को 2 और 1 में बांटते हैं। शाम को 24,000 रुपए सैलरी देना है जो उससे अभी ड्रॉ नहीं करी है, निकाली नहीं है, नहीं निकाली तो क्या देंगे, तो जी कैलकुलेशन होगा। टू शाम सैलरी, इंटरेस्ट 6% अलाउड होगा कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा ना। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम और शाम की 500-600 रुपए दे रखी है ऑलरेडी। इन द ईयर 2018 राम हैज विड्रॉन 20,000 और शाम ने 30,000 रुपए निकाले। राम ने 20,000 रुपए ड्रॉइंग्स करे थे और शाम ने 30,000 रुपए ड्रॉइंग्स करे। बिफोर अबव एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के पहले फर्म का प्रॉफिट 87,487,400 रुपए है ना। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कौन सी मेथड में नहीं कहा है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग मेथड बना लेंगे अपन, ठीक है। करके लाओ फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये कहाँ से आया है ना, पहले से किया है ना आपने, मैं कल पूछूंगा क्रॉस क्वेश्चन, आप जवाब देना बस उसका, वापस प्रैक्टिस करो उसकी, ठीक है।